So hello young ones, welcome back to my class. I'm your trainer Pooja. I welcome you to my class of English grammar, and the name of the book is Grammar Glitter Odyssey of Grade 5 by Brain Root. It's a product of Amit Publishing House. So today we'll start chapter number 11 of our book, and the name of the chapter is Pronouns. Retreat. वर्ड्स विच टेक द प्लेस ऑफ द नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन. जो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि संज्ञा के नाम पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं. तो सेम है कि नाउन की प्लेस पे जो शब्द यूज करे जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. नाउन, राधिका लव्स टू कुक. प्रोनाउन, शी लव्स टू कुक. पर्सनल प्रोनाउन. प्रोनाउन्स दैट आर यूज इंस्टेंट ऑफ नेम्स ऑफ द पीपल और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. किसी के नाम की जगह आपने शी ही यू लगा दिया तो वो क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस. रिया इज अनवेल, शी डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे. तो रिया बोला और उसके बाद क्या बोल दिया? शी बोल दिया. माय पप्पी इज वेरी नॉटी, इट चार्जेस एट द पीपल एंकल्स. तो पप्पी बोला उसके बाद फिर इट लगा दिया. तो पर्सनल प्रोनाउंस लाइक आई, वी, यू, ही, हिम, इट एंड दे यूजली एक्ट एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. दे आर कॉल्ड सब्जेक्ट प्रोनाउंस. तो इन्हें क्या बोला जाता है? ये सब्जेक्ट की तरह जो है यूज होते हैं और इनको सब्जेक्ट प्रोनाउन बोला जाता है. नाउ रीड दीज सेंटेंसेस. राधिका इज अ गुड गर्ल, एवरीवन लाइक्स हर. राधिका एक अच्छी लड़की है और सब उसको पसंद करते हैं. आवर नेबर्स आर वेरी फ्रेंडली, एवरीवन लाइक्स देम. तो यहाँ पे हर, देम, इट, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ प्रोनाउंस है. और ये कैसे प्रोनाउंस है? ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है. क्योंकि पर्सनल प्रोनाउंस लाइक मी, अस, यू, हर, हिम, इट एंड देम कम इन अ प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. तो ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं और दे आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा आई और ऑब्जेक्ट आएगा मी. सेकेंड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे यू आ जाएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन में और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आएगा यू. थर्ड पर्सन वो भी सिंगुलर तो ही और या फिर हिम यूज करेंगे अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे शी और हर यूज करेंगे. यहाँ पे इट और यहाँ पे इट ही रहेगा. फर्स्ट पर्सन प्लूरल है अगर यहाँ पे सिंगुलर की बात करें. यहाँ पे हम प्लूरल पे आ जाते हैं. यहाँ पे आता है वी और यहाँ पे आ जाएगा अस. यहाँ पे यू और यहाँ पे यू और यहाँ पे दे और यहाँ पे देम आ जाएगा. सो लाइक दिस आपको पुट करना है. आ जाते हैं सीधा इसकी टास्क पे. रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड. यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए गए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पे हैं. आई हैव अ सिस्टर, वी लव ईच अदर वेरी मच. तो यहाँ पे कौन कौन से हैं? आई और वी. They have come to see the movie. They have a personal pronoun. They. Are you familiar with the Newton's law of motion? तो यहाँ पे है are you. He and I. यहाँ पे noun है he and I. Noun sorry है he and I. I have known him for a very long time. तो यहाँ पे आ जाएगा I और non him. The woman was crossing the street. The woman was crossing the street when the truck hit her. यहाँ पे आ जाएगा. Like this, too, I am leaving for you. We solve it in the homework. So, retreat. The second type of pronoun hota hai, that is demonstrative pronoun. Jahan pe hum baat karte hai, this, that, these, those. Jo belongingness hota hai. Pronouns that are used to point out specific person or thing are called demonstrative pronoun. Koi particularly kisi thing ko aap jo hai point out kar rahe hain. To wahan pe kya aayega? Demonstrative pronoun aayega. डिफरेंस बिटवीन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. क्या डिफरेंस है? दोज आर हर डॉग्स, दोज डॉग्स आर हर. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे. यहाँ पे प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है और वहाँ पे क्या हो रही है? वहाँ पे एडजेक्टिव के बाद डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. आ जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पे. प्रोनाउन दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चन. वो वाले प्रोनाउन्स जो क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो उसमें हमारे यूज होते हैं वॉट, विच, हूँ. तो वहां पे क्या हो जाता है? हु. तो वहां पे उन्हें बोलते हैं हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. पोजेसिव प्रोनाउंस हमारा फोर्थ टाइप का प्रोनाउन है. कि प्रोनाउंस दैट आर शो द पोजेशन और ओनरशिप आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन. एग्जांपल, दिस इज
yours, that one is mine. ये आपकी है और ये मेरी है. These bags are ours, those are theirs. ये हमारे हैं और वो उनके हैं. So possessive pronouns have different forms depending upon their number and person. Look at this table. इनके different forms होते हैं, depend करता है. ठीक है, first person है तो आ जाएगा singular है अगर first person तो mine, और अगर plural है तो ours. Second person अगर singular है तो yours, और अगर plural है तो yours ही आएगा. Third person his, her या फिर theirs आ जाएगा. ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद दिस दैट दीज दोस. फिल करना है आपको ब्लैंक्स को, आपके कौन से प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से फिल करना है. चलिए फिल करते हैं. डैश एप्पल्स आर कैप्ट एट द टेबल. दीज एप्पल्स आर कैप्ट एट द टेबल. पॉइंट आउट कर रहे हैं आप. डैश इज अ वॉकिंग स्टिक. दिस इज अ वॉकिंग स्टिक. डैश बिल्डिंग ओवर देयर इज द क्रिस्टल बिल्डिंग. तो कौन सी बिल्डिंग है, दैट बिल्डिंग आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, दैट आएगा. दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक है. आर डैश योर पेंसिल, आर दीज योर पेंसिल्स. तो ऐसे ही आपको इसको फिल करना है. तो मैंने कुछ आपके लिए फिल करे, मैंने आपको कुछ समझाए, रिमेनिंग पार्ट आप होमवर्क में करेंगे. कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद सुटेबल इंटरोगेटिव प्रोनाउन. डैश ऑफ देम वॉन्ट्स टू सी मी. क्या, who of them wants to see me, उसमें से कौन मुझे देखना चाहता है. Dash are you looking for, what are you looking for. Dash said these words, who said these words. Dash is your favorite restaurant, which is your favorite restaurant. So like this you have to guess that which interrogative noun will come in this. 4 I have done, remaining 6 you have to done as in homework. करिए इसको, तभी आपको आएगा कैसे इसको करेंगे. Rewrite the following sentences using possessive pronoun. आपको लिखना है और ये आप करेंगे होमवर्क में. ये मैंने आपको लिए छोड़ा है मुहूर्त. अब प्रोवोकेशन पे आ जाते हैं इसकी. Fill the blanks with appropriate pronouns. Murat is a good boy, dash always listen to. Murat is a good boy, he आएगा यहाँ पे, he always listen to. इसको कुछ पार्ट में आपके लिए सॉल्व करूंगी. He always listen to his. क्या आ जाएगा, his teachers. Amit and Sumita are twins, brothers. They take the same bag to the school. They आ जाएगा. The mangoes are very sour. Where did you buy them? कहाँ से खरीदे हैं आपने mangoes? Milky and I are very good friends. We have known each other since childhood. The Steve, this is Steve. Do you know him? तो यहाँ पे बहुत easy है. I love watching Tom and Jerry. It reminds me of my childhood days. It's very easy, friends. आप solve करके देखिए, आपको बहुत आसान लगेगा ये. आप रीड करिए चैप्टर, उसके बाद इसको सॉल्व करिए. ये एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क है. तो चलिए, ये एक्सरसाइज भी आपको सेम है कि आपको इसमें प्रोनाउन जो है फिल करने हैं और इसको आप होमवर्क में करेंगे. सो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि प्रोनाउंस क्या है. हम पढ़ते आ रहे हैं काफी टाइम से उसको. आप इस चैप्टर को रीड करिए, आप एक्सरसाइज कंप्लीट करिए होमवर्क की. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.